नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम गांव किसान की बात करते हैं, खेत खलिहान की हम बात करते हैं, साथ ही साथ हमारी ये कोशिश रहती है ऐसे किसानों से आपको मिलवाने की जिन्होंने खेती किसानी करके अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। न सिर्फ मुनाफा कमाया बल्कि साथ ही किसान भाइयों को भी प्रेरित किया है ताकि वो किसान ऐसे आने वाले वक्त में ज़्यादा बेहतर काम कर सके, ज़्यादा बेहतर तरीके से खेती किसानी कर सके और मुनाफा कमा सके। तो आज आपको लिए चलेंगे शाजापुर ज़िले में, जहां पर कुछ ऐसे प्रगतिशील किसान मौजूद हैं और जानेंगे उनसे कि आखिर उन्होंने खेती किसानी की शुरुआत कैसे की। तो इस वक्त हम आ गए हैं शाजापुर ज़िले के ग्राम निपानिया, जहाँ के प्रगतिशील किसान हैं बाल मुकुंद, जिनसे मिलने के लिए हम भोपाल से आए हैं। बाल मुकुंद जी, क्या हाल चाल है आपके? घर तो आपने बहुत ही सुंदर बनाया है। खेती बाड़ी से बनता ही है। बिल्कुल सही कहा है बाल मुकुंद जी ने कि खेती बाड़ी से तो बनता ही है घर सुंदर। जिस तरह आपका घर सुंदर है, उम्मीद करते हैं कि आपके खेत भी उससे ज्यादा सुंदर हमको देखने को मिलेंगे। अभी क्या क्या कुछ उगाया आपने? संतरे भी हैं, धनिया है, लहसुन प्याज है। लहसुन प्याज, सब्जियों में क्या क्या उगा रहे हैं? सब्जियों में लहसुन प्याज चल रहा है बस। लहसुन प्याज, अभी तो प्याज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, अभी कम भी है, वापस गिर गए, अभी वापस हो गए हैं। बिल्कुल, अभी शक्कर बट्टी की तैयारी चल रही है। शकरकंद की खेती के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? शकरकंद शक्कर बट्टी होती है, शक्कर बट्टी खरबूजे जैसे। अच्छा, जिसे खरबूजा खरबूजा बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल खरबूजा। तो खरबूजे के लिए क्या क्या तैयारियां शुरू हो गई? क्या बेड बना है, ड्रिप डलेगी और मर्चिंग लगेगी ऊपर से जी, उसके बाद टेक्निकल खेती होती है। हाँ, तो ये मर्चिंग पद्धति तो हम आपके खेत पे ही जानने जाएंगे। अभी जैसे कि आपने बताया शक्कर बट्टी उगा रहे हैं, संतरे का भी सीजन है, संतरे चल रहे हैं ना अभी, संतरे चल रहे हैं। तो आपने संतरे कितने उगाए? संतरे अभी 20 बीघे के आसपास। 20 बीघे के आसपास। चलिए, खेती किसानी की बात तो हम खेत जाकर ही कर लेंगे, लेकिन आज आपके घर पे कौन कौन है यहाँ पर? यहाँ पे मिसेज है, भाई है, छोटा भाई है, दो लड़के हैं जी। और कौन कौन है आपके परिवार? पापा है, मम्मी है, अंकल है, सभी। आपकी पत्नी भी खेती में हाथ बटाती है? खेती में हाथ बटाती है। अच्छा, क्या क्या सहयोग करती हूँ आपका? सभी सहयोग जो भी होता है, मजदूरी। और आपके बच्चे? बच्चे तो अपना काम काज करते हैं दोनों, ड्रिप की एजेंसियाँ हैं दोनों को, अलग अलग ड्रिप की एजेंसी, किसानों को बताते भी हैं ड्रिप कैसे देते हैं, कैसे देते हैं। खेती बाड़ी में भी हाथ बटाते हैं। खेती बाड़ी में भी हाथ। कितना समय आप एक दिन में, अगर देखा जाए तो जैसे यूजली लोग जॉब करते हैं तो 8 घंटे 8.5 घंटे 9 घंटे कितना भी टाइम देते हैं, लेकिन खेती किसानी में जानना चाहते हैं। किसानी में तो मैडम जितना जितना टाइम दो उतना कम पड़ता है, 24 घंटे अगर लगे रहो तो फिर भी कम पड़ता है, 24 घंटे अगर लगे रहो फिर भी कम है, जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा होगा। बिल्कुल, तो सही कहा है बाल मुकुंद जी ने कि खेती किसानी में जितना ज़्यादा समय दो उतना ही कम पड़ता है। अक्सर हम नौकरी करते हैं तो 8 घंटे 9 घंटे देते हैं, लेकिन जो हमारे किसान हैं, जो किसान भाई हैं, जो खेतों पर रहते हैं, वो लगातार, जैसा कि बाल मुकुंद जी बता रहे हैं, 24 घंटे भी दो फिर भी कम हो जाते हैं। तो आपके खेत देखने हम आपके यहाँ चलेंगे, चलें खेतों पर चलते हैं। बिल्कुल बाल मुकुंद जी, इस इलाके में संतरे की शुरुआत कब से आप लोग संतरे की खेती करना शुरू की? ये 20-25 साल पहले से चालू हुआ जी, उसके बाद हमने भी लगाना शुरू करा और नागपुर गए, नागपुर से सीख के आए कैसे क्या लगाना है जी। दूरी भी उनसे तय हुई, वहीं से जैसे वहाँ संतरे देख के आए हमने चालू करा। इसको करीबन 10 साल पहले लगाए, एक बगीचा और गांव में लगा रखा, वो 20 साल पहले लगा है जी। वो पापा के द्वारा था, बाद में उनसे हमको प्रेरणा मिली, हमने भी लगाना शुरू करा जी। पहले साल इस बगीचे में करीबन एक पेड़ 50 किलो से 70-80 किलो के आसपास वो फल दे रहा था, अब ये पेड़ 1.5 से 2 क्विंटल फल देता है। कितनी दूरी पर है ये जानकारी आपको इस खेती की? आपने बताया कि आपके पिताजी से आपने सीखा, पिताजी है। से कृषि विज्ञान केंद्र से मिलती रहती है। हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र किस तरह आपकी मदद करता है ये सब बताने में? जब भी जरूरत पड़ती है कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ तक आते हैं, वैज्ञानिक लोग आते भी बताते भी कैसे क्या करना, सारी चीजें बताते भी है जी, दवाई कैसे क्या डालना है, खाद कैसे डालना है, सब कृषि विज्ञान केंद्र बताता है। बात तो खेत जिस तरह खूबसूरत दिख रहे हैं, लगता है रखरखाव भी आपको बहुत ज्यादा करना पड़ता होगा, तो पानी के लिए क्या करते हैं? क्योंकि सबसे जरूरी तो पानी होता है। पानी ये पार्ट से देते हैं ना, पूरा कुएं से देते हैं, कुआ है पास में। कुआ बनाने में आपको कितना खर्चा? कुआ बनाने में 3-4 लाख के आसपास की लागत आई है जी, 4 लाख रुपए के आसपास। इससे पहले आपके गांव में जो संतरे लोग उगा रहे हैं, आपने बताया कि यहां पर आपके बगीचे में सबसे ज्यादा संतरे आते हैं, तो इसका कोई खास कारण क्या? मेहनत के साथ साथ आप जैसे कि खाद किस तरह की यूज करते हैं? खाद गोबर की ज्यादा यूज करते हैं। जैविक खाद यूज करते हैं? जैविक ज्यादा यूज करते हैं, गोबर की ज्यादा। जैविक खाद की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जैविक खाद की प्रेरणा कृषि वैज्ञानिक से मिली, कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया जैविक ज्यादा डालो, डालते हैं तभी से अच्छी पैदा भी अच्छी आती है, हर वर्ष बगीचे आ जाते हैं।
संतरे की खेती से आपको किस तरह का फायदा हो रहा है, कैसे मार्केटिंग हुई है? फायदा तो होता ही संतरे के मार्केटिंग के, यहाँ बाहर के व्यापारी आके भी ले लेते हैं, बगीचे पूरा का पूरा उठा लेते हैं जी। और हम लोग भी नागपुर या कानपुर या जहाँ भी मंडी जाती है मंडी बेच भी देते हैं, खुद भी ले जाते हैं, नहीं आता है तो। या अभी तो बहुत सारे व्यापारी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, खरीदते हैं, पूरा पूरा बगीचा उठा लेते हैं। बाहर से कहाँ कहाँ से आते हैं? बाहर नागपुर से भी आते हैं, भोपाल के भी आते हैं कुछ जी। लोकल के भी व्यापारी बहुत सारे हैं यहाँ पे जो संतरा खरीदते हैं, मंडियाँ लगी हुई है आसपास, झालावाड़ पाटन से भी आते हैं, राजस्थान से जी, तो दूर दूर से लोग, पंजाब से भी आते हैं, सभी जगह, हाँ, सभी जगह से आते हैं जी, काफी जगह से आते। फायदा इसमें से एक बार लगाया जी, लगाने में खर्च होता है, उसके बाद तो इसमें फायदा ही फायदा है। हर वर्ष एक बार लागत लगती है, उसके बाद तो खाद देना है, दवाई देना है और थोड़ा निंदाई गुड़ाई करवाना है, बाकी सब पैसे अच्छे मिलते हैं। कितने टाइम पर आपको इस पे यही खाद और गुड़ाई ये दो तीन दो बार देना पड़ती है साल में, खाद दो बार लगाना पड़ता है, निंदाई गुड़ाई तीन चार बार करना पड़ती है, निराई और गुड़ाई निंदाई गुड़ाई तीन चार से चार बार जी। ट्रैक्टर भी चलते हैं इसमें, दो तीन बार ट्रैक्टर से भी निंदाई गुड़ाई होती है जी। और पानी कब कब देते हैं सिंचाई? पानी इसमें करीबन 15 से 20 दिन के बीच में पानी देते हैं। 15 से 20 दिन में जी। तो कितने बीघे में ये है संतरे? ये 10 एकड़ के अंदर है, 20 बीघे बोलते हैं। 20 बीघे तो कितना फायदा, आपकी लागत क्या आई है इस खेत की? इस खेत की लागत तो क्या, पहली बार लागत जो आई थी 2-2.5 लाख रुपए लागत आई थी जी, जी। हर साल 1.5-2 लाख रुपए लागत आती है, अभी इसे इसकी कंडीशन जो है इस हिसाब से 15-20 लाख के आसपास का यह बिक जाएगा जी। तो 17-18 लाख रुपए मिल रही है इसमें हाँ। बचत के जी, वाकई तो काफी अच्छी बचत हो रही है बाल मुकुंद जी की। जैसा कि बता रहे हैं कि यहाँ पर इनकी लागत 1 या 2 लाख रुपए आई हो, इनको फायदा 18 से 20 लाख रुपए का होगा। बाल मुकुंद जी के साथ उनका पूरा परिवार कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। जो एक खूबसूरत खेत आपने लहलाते हुए देखा है, उसके पीछे केवल बाल मुकुंद जी की ही मेहनत नहीं है, बल्कि उनके पूरे परिवार की मेहनत है। उनके चाचा जी त्रिलोक चंद जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह, जिस तरह उन्होंने व्यावसायिक खेती भी कर रहे हैं, मसालों की खेती भी शुरू कर रहे हैं, प्याज लगाई है, लहसुन लगाई है, जानते हैं उसके पीछे आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली व्यावसायिक खेती की? व्यावसायिक खेती हमारे परिवार से प्रेरणा मिली है। उसके बाद लहसुन की खेती करते हैं, प्याज की भी खेती करते हैं, उसके बाद कलवन जी मसाले की खेती करते हैं, गेहूँ की भी करते हैं, बगीचा भी है। लहसुन और प्याज के बीच बीच में आपने क्या कुछ लगाया? बस लहसुन और प्याज के बीच में क्या लगते हैं, आलू लगा देते हैं, आलू के बाद बीच में सब्जी के लिए जो गोभी के पौधे भी लगा देते हैं, तो उससे घरों सब्जी भी हो जाती है, आलू भी तैयार हो जाता है। मूली लगा दे, वो बीच बीच में पाली उनके बीच में मूली भी खड़ी कर देते हैं, उससे हमारा अच्छी आमदनी होती है। ये है बाल मुकुंद जी की पत्नी कृष्णा, ये अभी खेतों से लौटी हैं, काफ़ी कुछ सामान भी लेकर आई हैं, जैसे मेरे हाथ में भी इन्होंने धनिया दी है और आलू भी है। कृष्णा, आप यहाँ कितनी मदद करती हैं बाल मुकुंद जी की? मैं यहाँ सुबह से आती हूँ खेत पे जी, मजदूर के साथ भी रहती हूँ। मजदूर के साथ में भी रहती हैं, और क्या क्या करती हैं यहाँ पर? नींदना, खोदना, कटाई जी, सब करती हूँ। राकेश जी, आपका बगीचा तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है, काफ़ी साफ सफाई यहाँ पर दिखाई दे रही है, कैसे मेंटेन आप करते हैं यहाँ पर? मैडम, इसमें हम कुछ भी फसल नहीं लगाते, इंटरक्रॉपिंग नहीं लेते हैं, ना इसमें गेहूं लगाते हैं, ना बारिश में सोयाबीन लगाते हैं, इसको खाली रखते हैं, इससे इसकी निंदाई गुड़ाई अच्छी होती है और इसको उत्पादन अच्छा मिलता है। गेहूँ अगर लगाते हैं तो वो पानी ज़्यादा देना पड़ता है, उसके कारण इसका फल अच्छा नहीं बनता है। कितने कितने समय पर आप यहाँ पर सिंचाई करते हैं, निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं? सिंचाई प्रति हफ्ते होती है, हर हफ्ते सिंचाई करते हैं और 3 बार इसकी गुदाई होती है, निंदाई गुदाई। कहाँ कहाँ से व्यापारी आते हैं आपकी इस फसल को ले जाने के लिए? कानपुर है, नागपुर है, आगरा है, ग्वालियर है, गुना है। आप 6 सालों से संरक्षित खेती कर रहे हैं, तो जो ये मर्चिंग तकनीक है, ये कैसे लगाई आपने, कहाँ से इस तकनीक के बारे में हमें समझाइए? ये मैडम भोपाल CIA में देख के आए थे हम मल्चिंग पद्धति। अच्छा। और वहाँ से आने के बाद में कृषि विज्ञान केंद्र के मध्यस्थ से हमने ये मल्चिंग लगाई। ये मल्चिंग प्लास्टिक की होती है, 25 माइक्रोन की आती है, 4 फीट चौड़ी रहती है ये, और इसके अंदर ड्रिप लगाई जाती है। मल्चिंग तकनीक के बारे में आपने जानकारी दे दी है, तो इसके फायदे क्या क्या हैं, आपको क्या फायदा हो रहा है इससे, और ताकि दूसरे किसान लोग भी आपको देखकर अपना सके इस पद्धति को? मल्चिंग पद्धति से अत्यधिक बारिश में पौधा अपना बना हुआ बचा रहता है, इससे खरपतवार नहीं उगते हैं, इससे प्रोडक्शन अच्छा मिलता है, कम पानी में भी अच्छा प्रोडक्शन मिलता है मल्चिंग के पद्धति से मध्यस्थ से। और क्या फायदा हो रहा है इससे आपको? फायदा उत्पादन अच्छा मिलता है इससे। और लागत? लागत कम है बिल्कुल,
7-8 हज़ार रुपये बीघे की है लागत। अच्छा, तो कम लागत में अधिक उत्पादन हो रहा है। नींदाई बस्ती है, इससे खरपतवार कम निकलते हैं। हमारा भतीजे ने मल्चिंग की खेती जो है मिर्ची की करी, इसके बारे में मेरे को बताया। कृषि विज्ञान केंद्र में जाता हूँ और वहाँ से भी मैंने पूरा मल्चिंग की खेती सीखी और इससे जो है 1 हेक्टर में मतलब 4.5 बीघे में 500 क्विंटल मिर्ची करीब होती है साहब। और इसका उत्पादन मध्य प्रदेश में अभी निमाड़ क्षेत्र में सयापुर ज़िले में अधिक है और इससे किसानों को लाभ मिलता है और किसान जो इस पद्धति को अपनाता है। ये मल्चिंग की खेती जब से आई है किसान परेशान नहीं, कुछ किसान कर रहे हैं कुछ किसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये डेली आमदनी की फसल है सर और डेली आमदनी से ही किसान का जीविका चलती है। बाकी ये हमारे भतीजे राकेश ने और कुछ लोगों ने इसको सीख के आए और इन्हें मल्चिंग की खेती करी, सभी गांव वाले लगभग लोग खेती कर रहे हैं फसल को। साहब इससे क्या है कि कम पानी में फसल हो जाती है और मल्चिंग की खेती से निंदाई गुड़ाई कम होती है, मजदूर कम लगते हैं, दवाइयां कम लगती है, तो खरपतवार सब जो है खाद खा जाता है और मिर्ची का उत्पादन ख़त्म हो जाता है। इसलिए मल्चिंग की खेती ये 25 माइक्रॉन की आती है, इससे जो है खेती हो रही है और इसका लाभ जो है डायरेक्ट किसान को होता है। कैसे करते हैं इसको? इसको क्या सर, खेत की हकाई जुताई करके और उसका 4 फीट बेड बना देते हैं और उसके ऊपर बरसाती लगा के मल्चिंग लगा के इसमें अंदर ड्रिप डाल देते हैं और फिर उसी से खाद वगैरह जो भी जाता है, पोटास, मैग्नीशियम, फास्फोरस जो भी जाता है, सब इससे ड्रिप से जाता है और इसी से पूरा खाद से इसको खाद से उत्पादन मिलता है सर इसको पूरा। और हमारे यहाँ पे ऑरेंज की खेती है सर, ऑरेंज की खेती में भी फायदा है सर। 26 सयापुर ज़िले में 26,000 हेक्टर का ऑरेंज लगा हुआ है, इससे सयापुर ही जिंदा है सर। तो ऑरेंज की खेती अगर नहीं हो तो सयापुर जो है लूज हो जाता है। ये व्यापार जो है सयापुर में संतरे का सबसे ज़्यादा व्यापार है। सयापुर में संतरा सर नागपुर से नर्सरी आई सबसे प्रथम, ये 25 वर्ष से संतरा की खेती यहाँ पे सयापुर ज़िले में आई है। अच्छा। और अभी 10 वर्ष के अंदर तो हर खेत पे सर सयापुर ज़िले में लगा हुआ है। तो किसान भाइयों यहाँ पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आखिर मिर्च की खेती में कौन से सामयिक कार्य होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरूप फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे मिर्च की खेती की। आप सभी किसान भाइयों ये जानते हैं कि मिर्च की खेती में सामयिक कार्य होते हैं, लेकिन कौन कौन से वो सामयिक कार्य होते हैं? कई ऐसे सवाल दिलो दिमाग में रहते हैं किसान भाइयों के, जिनमें सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि आखिर खेती कैसे करें, कौन से उर्वरक का उपयोग करें।
मिर्च की खेती में सिंचाई प्रबंधन कैसा होना चाहिए जिसके माध्यम से हमारी फसल ज़्यादा बेहतर किसान भाइयों को मुनाफा दे सके, तो इन तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। डॉक्टर सुधीर धाकड़, आप कृषि वैज्ञानिक हैं, शाजापुर कृषि विज्ञान केंद्र में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। किसान भाइयों नमस्कार, आज हम राकेश गोटवाल जी जो सुनेरा के रहने वाले हैं उनके खेत पर हैं। जैसा कि जानते हैं कि राकेश गोटवाल जी संरक्षित खेती में काफ़ी अच्छी खेती कर रहे हैं। संरक्षित खेती के अंतर्गत तो उन्होंने मल्चिंग तकनीक अपनाई हुई है और इस पर वो साल भर में विभिन्न फसलें ले रहे हैं। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि मिर्च की विभिन्न वेराइटी लगी हुई है, इसके पहले उन्होंने खीरा लगाया हुआ था, गिलकी लगाई हुई थी और अभी डालर चना भी लगा हुआ है, काबली चना भी लगा हुआ है। और ये तकनीक उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से पिछले छः वर्ष पूर्व उन्होंने प्रशिक्षण के माध्यम से, हमारे जो 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था उसमें उन्होंने अटेंड किया हुआ था। इसके माध्यम से हम लोग केंद्रीय कृषि विज्ञान की संस्थान भोपाल भी हम लोग ले गए थे, तो वहाँ पर जो संरक्षित खेती की मल्चिंग हो गया, नेट हाउस पॉली हाउस हो गया, वो उन्होंने भ्रमण किया हुआ था। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भी नेट हाउस पॉली हाउस और मल्चिंग तकनीक है, उन्होंने भ्रमण किया, उन्होंने देखा और इस तकनीक को पूरी तरह से समझा, तो उन्होंने ये तकनीक अपना रहे हैं। इस तकनीक के अंतर्गत आप लोगों को देख रहे हैं कि मल्चिंग सीट लगी हुई है, ये 25 माइक्रोन की है। तो जो किसान सब्जी की इस तरह की फसल लगा रहे हैं जिनकी उम्र लगभग 1 साल के लगभग रहती है, उसके अंतर्गत ये जैसे मिर्च हो गया, टमाटर हो गया और खीरा की फसल हो गई, ये लोग लगा रहे हैं और इसमें 25 माइक्रोन की सीट रहती है और इसमें उद्यानिकी विभाग से भी इनको जो अनुदान है वो इसका लाभ भी ले रहे हैं। मल्चिंग तकनीक से उन्होंने जो राकेश गोटवाल जी ने हैं जो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये रहता है कि इसमें मिर्च में खासकर बीमारियों जो मृदा जनित काफ़ी बीमारियाँ आती हैं, तो इसमें मल्चिंग तकनीक लगने से इसमें बीमारियों का नियंत्रण हो जाता है, कीट व्याधि का जो खर्चा है वो बच जाता है और इसमें पानी की मालवा में पूरी कमी बनी हुई है, शाजापुर में भी है, पानी की इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी बचत होती है। इसमें माइक्रो इरीगेशन ड्रिप इरीगेशन लगा हुआ है, बूंद बूंद पानी हमारी फसलों में जाता है, इससे लगभग 90% से ऊपर पानी की बचत होती है और पानी सीधी जड़ों में जाता है और जो उनका फर्टिगेशन शेड्यूल है जो हम लोग खाद देते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर है अलग अलग तरह के, जो 0019 हो गया, 0050 हो गया, 0534 हो गया, अलग अलग तरह के जो फर्टिलाइजर हैं विभिन्न स्टेज के अनुसार हमारी रिकमेंडेशन के अनुसार ये उनका उपयोग कर रहे हैं और इसके अनुसार उनका उत्पादन काफ़ी अच्छा रहता है। और जो अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर हैं इनका उपयोग करते हैं जब मार्केट डिमांड रहती है, जब उनको फसल में मैच्योरिटी लानी रहती है, इस तरह के फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, इसलिए मार्केट डिमांड के अनुसार ये खेती कर रहे हैं तो इनको इनका मूल्य भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। पिछले सीजन में आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी हमारे अच्छी बरसात हुई थी, इसके तकनीक के माध्यम से इन्होंने काफ़ी अच्छा फ़ायदा लिया क्योंकि इन्होंने मल्चिंग तकनीक अपनाई हुई थी, बेड पे मल्चिंग तकनीक बनी हुई थी, इसके कारण इनका जल निकास अच्छे से हो गया, नमी का संरक्षण काफ़ी अच्छे से हुआ और बरसात के सीज़न में भी इन्होंने खीरा लगाया, मिर्च लगाया, इससे लगभग 1 बीघा में 1 एकड़ में इन्होंने लगभग 1.5 से 2 लाख का नेट प्रॉफिट इसमें लिया हुआ था। इसके बाद उन्होंने अभी एक मिर्च लगाई हुई है, मिर्च में भी इन्होंने लगभग 1 लाख से ऊपर का फ़ायदा इसमें ले लिया हुआ है। तो साल भर में लगभग 2-3 फसलें ही लगा लेते हैं ये तकनीक पे, मल्चिंग पे, उसके बाद में ये इसको निकाल लेते हैं और गर्मी के सीज़न में जैसे अप्रैल का महीना आएगा खेत को पूरी तरह से फिर से तैयार करते हैं। इसमें गहरी जुताई 3 साल में एक बार करते हैं, रोटावेटर चलाते हैं और ये मिट्टी परीक्षण भी करते हैं, मिट्टी परीक्षण करने के बाद में जो अनुशंसा आती है उसके अनुसार ये खाद देते हैं। और ये इन्होंने पिछले बार इनको इस तरह की गतिविधियों के लिए, नवाचार के लिए हमारे माननीय कलेक्टर द्वारा उन्होंने आत्मा का सर्वोच्च किसान पुरस्कार भी इनको मिला हुआ था, तो इस तरह की मल्चिंग तकनीक पे कर रहे हैं। और ये राकेश गोटवाल जी इसके साथ ही संतरे की खेती भी कर रहे हैं, संतरे की खेती में भी ये काफ़ी अच्छा लाभ कमा रहे हैं। हमारे शाजापुर में लगभग 12,600 हेक्टेयर का संतरा है, हमारा जो मोहन बड़ौदिया ब्लॉक है शाजापुर हो गया और आगर जिले में सब मिलाकर लगभग 45,000 हेक्टेयर का एरिया है, संतरे में भी अच्छा कर रहे हैं। संतरे में भी इन्होंने कई जगह मल्चिंग तकनीक अपनाई हुई है और बेड पे लगा रहे हैं। बेड पे लगाने से क्या है कि कई जगह किसानों का संतरा बरसात के सीज़न में नष्ट हो गया था लेकिन इनका पूरी बेड पे लगा हुआ था तो नष्ट नहीं हुआ और काफ़ी अच्छा फ़ायदा इस बार हुआ हुआ है। इस बार इन्होंने लगभग जो इनका 2 हेक्टेयर में संतरा है और 5.5 लाख रुपये में इन्होंने नेट प्रॉफिट में इनको बेचा हुआ है। तो इस तरह की जो इनका संतरा है हर साल आ रहा है, कई किसानों को ये देखने में आता है कि कभी एक साल आ रहा है, कभी दूसरी साल आ रहा है, नहीं आ रहा है, फसल में रेगुलर बियरिंग नहीं होती है, लेकिन ये राकेश गोटवाल जी हैं कृषि विज्ञान केंद्र की जो उन्नत कृषि तकनीक हैं उनको अपना रहे हैं और हर साल उसमें जो फर्टिलाइजर डोज है मिट्टी परीक्षण के अनुसार वो उसमें दे रहे हैं, सभी तरह के खाद देते हैं, खासकर ये देसी खाद भी दे रहे हैं, इसलिए इनकी संतरे में हर साल फ्रूटिंग होती है, हर साल बेयरिंग आती है, इसलिए काफ़ी अच्छा उत्पादन ले रहे हैं और प्रति हेक्टेयर लगभग 250 क्विंटल के ऊपर इसमें उत्पादन ले रहे हैं। तो इस तरह की जो
संतरे की खेती हो चाहे मल्चिंग की खेती हो, सभी तरह की तकनीक के लिए राकेश गोटवाल जी हमारे ज़िले के किसानों के लिए एक उदाहरण बने हुए हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे सभी वैज्ञानिकों के संपर्क में रहते हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जो किसान मोबाइल संदेश हम सप्ताह में 2 बार भेजते हैं, उनको भी ये दूसरे किसानों को भी भेजते हैं, खुद भी उसका पूरी तरह से पालन करते हैं। इस तरह के जो किसान हैं, कई किसान इनसे जुड़ रहे हैं और ये कई किसानों को हम अपने यहाँ पर जोड़ रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से भी जोड़ रहे हैं। इस तरह खेती का जो लाभ का धंधा हमारा मध्य प्रदेश शासन और हमारा केंद्र शासन ये चाहता है, इस तरह की तकनीक को अपना के ये राकेश गोटवाल जी भी कर रहे हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की तकनीक को सभी जगह किसानों के लिए पहुँचा रहे हैं। और किसान भाइयों, अब नज़र डालेंगे खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कृषि निर्यात $50 बिलियन, केंद्र 444 लाख टन गेहूं खरीदेगा, देश में सर्वाधिक ब्रुसेला टीकाकरण, थ्रेशर के प्रयोग में सावधानी बरतें और किसान भाई नरवाई में आग न लगाएं। और अब खबरें विस्तार से। वर्ष 2021-2022 के लिए कृषि उत्पाद, समुद्री एवं कृषि उत्पाद सहित का निर्यात $50 बिलियन को पार कर गया है। यह अब तक का सबसे अधिक कृषि उत्पाद निर्यात है। वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2021-2022 के दौरान कृषि निर्यात 19.92% बढ़कर $50.21 बिलियन हो गया है। यह वृद्धि दर शानदार है और 2020-2021 के 17.66% यानी 41.87 बिलियन से अधिक है। यह वृद्धि उच्च भाड़ा दरों, कंटेनर की कमी जैसी अप्रत्याशित लॉजिस्टिक चुनौतियों के बावजूद हुई है। पिछले 2 वर्षों की यह उपलब्धि किसानों की आय में सुधार के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में काफी अधिक सफल होगी। चावल $9.65 बिलियन, गेहूं $2.19 बिलियन, चीनी $4.6 बिलियन तथा अन्य अनाजों $1.08 बिलियन के लिए अब तक का सबसे अधिक निर्यात है। गेहूं निर्यात में अप्रत्याशित 273% की वृद्धि दर्ज की गई है। जहां 2020-2021 में गेहूं निर्यात $568 मिलियन का था, वहीं ये 2021-2022 में 4 गुना बढ़कर $2,119 मिलियन हो गया है। इन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के किसानों को काफी लाभ हुआ है। रबी सीजन 2022-2023 में केंद्र सरकार ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से अब तक का सर्वाधिक 444 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। FCI देश के 11 गेहूं उत्पादक राज्यों से गेहूं खरीदेगा। सबसे अधिक 132 लाख टन गेहूं पंजाब से खरीदा जाएगा। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, जहाँ से 129 लाख टन गेहूं खरीदी का कोटा अलॉट किया गया है। हरियाणा से 85 लाख टन गेहूं खरीदा जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों से 439 लाख टन यानी कि 90% से अधिक गेहूं खरीदा जाएगा। उत्तर प्रदेश से 60 लाख टन, राजस्थान 23 तथा बिहार से 10 लाख टन गेहूं खरीदा जाएगा। केंद्र सरकार ने पिछले साल 433.44 लाख टन गेहूं विभिन्न राज्यों से खरीदा था। उल्लेखनीय है कि इस साल देश भर में 11 करोड़ टन से ज्यादा गेहूं उत्पादन की संभावना है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में प्रदेश में 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक रुसेला टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। इसमें 4 से 8 माह की गौ भैंस वंशीय बच्चियों का टीकाकरण कराया गया। मध्य प्रदेश ने 17,41,970 टीकाकरण की जानकारी नॉफ पोर्टल पर दर्ज कराई है, जो राष्ट्र में सर्वाधिक है। इसके अलावा प्रदेश में 2,76,63,968 गौ भैंस वंशीय पशुओं को UID टैग्स लगाए गए हैं। इनका पंजीकरण भी इनऑफ पोर्टल पर किया गया है। यह संख्या भी देश में सर्वाधिक है। श्री पटेल ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश को 22,55,000 ब्रुसेला टीका द्रव्य उपलब्ध कराया गया है। देश में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों में ब्रुसेला टीकाकरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। थ्रेशर को प्रयोग करते समय उसके ढीले नट बोल्टों को अच्छी तरह से कस लें। थ्रेशर के सभी प्रकार के घूमने वाले पुर्जों को ग्रीस या तेल लगा दें। थ्रेशर और शक्ति स्रोत को अच्छी तरह से स्थित करें। थ्रेशर के सभी पट्टों को उपयुक्त कसाव की ठीक तरह से जांच करें और अगर पट्टे ढीले हों तो उन्हें कस लें। थ्रेशर को चलाने के लिए समर्थ शक्ति स्रोत का प्रयोग करें। थ्रेशर को चलाने के पूर्व सिलेंडर तथा कनकेव के बीच की दूरी निर्माता के संस्तुति की गई नाप की ही रखें। थ्रेशर
सिलेंडर चलाने के पूर्व सिलेंडर को हाथों से घुमाकर जांच लें और वह ठीक तरह से घूम रहा है या नहीं इसकी जांच करें। जाली हमेशा उपयुक्त आकार की ही प्रयोग करें। थ्रेशर का प्रयोग करने के पूर्व उसके उपयोग में लाने वाले फसल की भी जाँच करना अति आवश्यक है। राज्य शासन ने किसानों से अपील की है कि किसान भाई अपने खेतों की नरवाई में आग ना लगाएं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आती है, मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचता है, पर्यावरण को क्षति होती है और पशुओं के प्रयोग में लाया जा सकने वाला भूसा भी नष्ट होता है, साथ ही जान माल की भी हानि होती है। किसानों से अपील की गई है कि किसान भाई नरवाई में आग लगाएंगे तो धीरे धीरे जमीन बंजर हो जाएगी। प्रदेश सरकार इस प्रथा की रोकथाम के लिए कई तरह से प्रयास कर रही है। फसल अवशेषों के प्रबंधन हेतु उपयोगी कृषि यंत्र जैसे स्ट्रॉरीपर, हैप्पी सीटर, जीरो टेरल सीड ड्रिल, रोटावेटर, श्रेडर, मल्चर, रीपर आदि यंत्रों पर अनुदान देकर प्रोत्साहित कर रही है। इन यंत्रों के उपयोग से नरवाई में आग लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में आज फिलहाल इतना ही। चलते चलते मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ कृषि दर्शन के आज के अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।